धन धन सदगुरु तेरा आसरा, आपकी सेवा में दो मिनट भाई उतार जी बोलेंगे। धन धन सदगुरु तेरा आसरा, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, मालिक की प्यारी सज निवाजी मालिक करो। सत्संग जीओ, सबसे पहले आई हुई सारी सत्संग जी को महादास महारहमो करम दिवस की करोड़ों और बार बार बाद हो जी। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग जी, मैं ज्यादा लंबा समय आपका नहीं लूंगा, सिर्फ 3 या 4 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा जी। सतगुरु की प्यारी सज निवाजी सत्संग जी, सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि जो पिताजी के साथ साजिशें हुई हैं, ये साजिशें हुई हैं और साजिशें की गई हैं, जानबूझकर की गई हैं, हमारे अपनों के द्वारा ही की गई हैं। आज तक पढ़े लिखे भाई बैठे हैं, आप इतिहास उठा के देख लो, किसी गुरु का, किसी पीर का, किसी संत का, अगर उनके ऊपर भीड़ आई है, अगर उनके ऊपर साजिशें हुई हैं, तो उनके अपनों ने ही की हैं। तो कई सत्संग जी, बात झाजी ने किया है गुमनाम चिट्ठी की। तो गुमनाम चिट्ठी को क्या हुआ, गुमनाम चिट्ठी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन तो हुई ही नहीं, सीबीआई को दे दी गई गुमनाम चिट्ठी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हाई कोर्ट के द्वारा। तो सीबीआई ने क्या किया, उस गुमनाम चिट्ठी को तो अपनी पॉकेट में डाल दिया, गुमनाम चिट्ठी के किसी एक लाइन के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, जांच पड़ताल नहीं हुई, उस गुमनाम चिट्ठी को एक साइड पर रख दिया गया। और उसको रखने के बाद 2 लड़कियां सीबीआई ने अपनी ही तरफ से खड़ी कर ली। वो 2 लड़कियां वो थी जो गुमनाम चिट्ठी के आने से पहले 5 साल पहले डेरा छोड़कर जा चुकी थी। अब कमाल तो इस बात की है, वो लड़कियां 5 साल पहले डेरा छोड़ के जा चुकी हैं, चिट्ठी आती है 5 साल बाद और वही लड़कियां गुरुजी के खिलाफ खड़ी हैं। तो हमारे जो वकील है डेरे के, वो क्या झक मार रहे हैं वहां पे, वो सवाल क्यों नहीं उठा रहे कि ये कैसे हो सकता है। तो प्यारी सत्संग जी, अब मैं इसमें शॉर्टकट में बोलूंगा, टोटल 15 गवाह पेश किए गए हैं इस बलात्कार के मुकदमे में। पिताजी के खिलाफ सीबीआई ने टोटल 15 गवाह पेश किए हैं। उन 15 गवाहों में से 9 गवाह तो वो लोग हैं जो हमें सिर्फ सूचना दे रहे हैं। जैसे मान लो कोई सरकारी कर्मचारी हो गया, क्लर्क हो गया, एक क्लर्क है, वो कहता है कि मेरे पास चिट्ठी पहुंची, मैंने इस भाई को दी, आगे मैंने वहां पहुंचाई, वो कहता है मैंने वहां पहुंचाई। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव ऑफिसर कहते हैं उनको, सूचना देने वाले हैं वो लोग। कानून की भाषा में अगर देखा जाए, कानून के नजरिए से उन लोगों की गवाही मान्य हो ही नहीं सकती किसी भी रूप में। तो हमारे वकीलों ने वहां पर कोई सवाल नहीं उठाया। उसके बाद 15 में से 9 तो ये निकाल दो, बाकी रह गए 6 में से 1 है राजा राम हंडियाया, राजा राम हंडिया। अब राजा राम हंडिया से कोई ये पूछे भाई तेरा चिट्ठी के साथ और बलात्कार के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, तो तू ये बता कि गवाही कैसे दे रहा है। इस बात का ऑब्जेक्शन किसने उठाना था, हमारे वकीलों ने उठाना था, जो कि नहीं उठाया, वो उसकी गवाही बनती नहीं है। तो 15 में से 9 तो हो गए, बाकी लगे 6 में से 1 ये निकल गया, बाकी लगे 5। 5 में से अब कानून के अंदर ये प्रक्रिया है कि परिवार का कोई मेंबर या रिश्तेदार आपके हक में गवाही दे नहीं सकता, कोर्ट का ये कानून है। लेकिन यहां पे गवाही कौन दे रहा है, एक लड़की का बाप खुद, एक लड़की का जीजा और दूसरा लड़की का पति। तो 5 में से 3 ये निकल गए, पारिवारिक मेंबर कभी गवाही दे ही नहीं सकते, पारिवारिक मेंबरों की गवाही अदालत में मानी ही नहीं जा सकती। तो 5 में से 3 ये गए, पीछे क्या और रह गया, 2 लड़कियां। अगर कोई गवाह ही नहीं है गुरुजी के खिलाफ, तो सीबीआई ये बता दे हमारे गुरुजी के ऊपर मुकदमा किस बेस पे चलाया जा रहा है। आज तक ना कोई गवाह है, ना कोई तथ्य है, सारा कुछ फर्जी। पहली सत्संग जी, जिस प्रकार से एक बच्चे हम देखते हैं ना, बच्चे खेलते हैं, ताश का एक महल बना लेते हैं, ताश के पत्ते खड़े कर लिए, उसका घर बना लिया और उसको फूंक मार दो, वो उड़ जाता है। इसी प्रकार से ये गुरुजी का केस है, जो कि सीबीआई ने, डिफेंस लॉयर्स ने, हमारे वकीलों ने,
हमारे अपनों ने, कुछ हमारे घर के अपने हैं, उन्होंने आपस में मिलकर यह साजिशें पिताजी के साथ रची हैं। और इस बात को हम, ये कोई बातें नहीं है कि हवा में आपके सामने आके हवा में बातें कर रही हैं। एक एक चीज का सबूत हमारे पास है। सीबीआई को हमने चैलेंज किया हाईकोर्ट के अंदर। मैं खुद उस मेरे कुल मालिक सतगुरु की रहमत से, पिताजी की रहमत से, मैं भी उसमें पिटिशनर हूं। हम चार, तीन भाई पिटिशनर है, एक बहन है हमारे साथ, चार लोगों ने मिलकर यह पिटीशन लगाई है। तो पहली साथ संगत जी, अब हम लोग क्या करते हैं, हमारी जिम्मेवार, अभी आपको बहुत फोन आएंगे, तो वो लोग कहते हैं जी पिताजी तो आप गए हैं, आप ही आएंगे। उनसे कोई पूछे क्या बात, वो टूर पे गए हैं क्या, अपने आप आएंगे। सतगुरु को हमारी जरूरत नहीं है, हमें सतगुरु की जरूरत है। हमें उनके लिए लड़ना पड़ेगा। प्यासा प्यासा कुएं के पास चल के जाता है, कुआं कभी चल के प्यासे के पास नहीं आता। सात संगत जी, तो प्यारी सात संगत जी हो, अभी देखो ये सामने वचन लिखे हुए हैं कि हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। यही मेरे सतगुरु मुझे हजूर पिताजी के वचन है। अगर हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, कभी चिट्ठी आ गई जी, कभी प्रसाद आ गया जी, अब चिट्ठी को भी चैलेंज है। अब चिट्ठी अगर जेल में से निकले, क्योंकि पिताजी का जो मसला है वो हाई प्रोफाइल केस है, वो आम छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी सुरक्षा का सवाल है। वहां से अगर चिट्ठी निकलती है तो तेरी सास संगत जी हो, उसको जो जेलर है वो उसके ऊपर सिग्नेचर होनी चाहिए, सुपरिटेंडेंट के साइन होंगे, उसको डायरी नंबर मिलेगा, उसको डायरी में चढ़ाया जाएगा, उसके ऊपर स्टैंप लगी होगी बकायदा। पहली चिट्ठी के ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं था प्रूफ की वो जेल से आई है। हमने इसके ऊपर सवाल उठाए, लाइव में बोल दिया कि चिट्ठी फेक है। अगली बार फिर चिट्ठी आ गई, थोड़े दिनों के बाद फिर निकाल दी, ये देखो जी इसके ऊपर तो स्टैंप लगी हुई है। अब उसके ऊपर जो स्टैंप लगी हुई थी वो उल्टी लगी हुई थी, एक बार उल्टी लगा दी, एक बार सीधी लगा दी, ताकि पता ही ना चले कि ये स्टैंप है किसकी या किसने लगाई है, ये जेल की है या कहीं बाहर की है। और उसके ऊपर जो साइन किए गए थे वो जेल सुपरिटेंडेंट के साइन नहीं थे। तो पहली सार संगत जी, अब ये पूछना चाहते हैं, दूसरी चिट्ठी के ऊपर लिखा हुआ आ गया साइन, पहली चिट्ठी पे कुछ नहीं था, इसका मतलब पहली चिट्ठी फर्जी थी, पहली फेक थी ना इसका मतलब। तो पहली सार संगत जी, सारी की सारी चिट्ठियां जो है फेक आ रही है, बिल्कुल ये निराधार है, वहां से कोई चिट्ठी ऐसे नहीं आती। दूसरे नंबर पे हम बात करें, पिताजी ने चिट्ठी के अंदर एक वचन किए थे, ये जो कहा गया है, जो चिट्ठी में लिखा गया कि पिताजी के वचन है जी, काढ़ा लिखा पिताजी ने कोरोना के नाम पर, ये काढ़ा पीना है। अब वो काढ़ा, क्योंकि पिताजी ने चिट्ठी लिखी नहीं, अगर पिताजी के वचन होते तो कुछ बात और होती, लिखी वो बंदों ने है। तो पहली सार संगत जी, उस चिट्ठी को जो कोरोना का काढ़ा लिखा हुआ था, उस काढ़े को पी पी कर लोग बीमार होने लगे, हॉस्पिटल में जाने लगे। तो जब उनको इस बात का पता चला, हमारे जिम्मेवारों को, 5-6 दिन के बाद एक चिट्ठी और निकालनी पड़ेगी उनको मजबूरी में। उसमें क्या लिखा था कि भाई पिताजी ने गलती से काढ़े की मात्रा ज्यादा लिख दी, अब पिताजी ने इसको कम कर दिया है। क्या बात भाई, सतगुरु भी कभी गलती करता है क्या? मेरा दो जहानों का मालिक, मेरा खुद खुदा, मेरा सतगुरु, वो दुनिया के डॉक्टरों को सलाहें देता है, वो खुद गलती कैसे कर सकता है। परिशा सिंह जी, दूसरे नंबर पे एक लास्ट में आखिरी बात और बोलूंगा, हजूर पिताजी ने जाने से बहुत तकरीबन 6 महीने या साल पहले वचन किए थे सारी सात संगत जी को कि सारी सात संगत टच मोबाइल खरीदे। बहुत सारे भाई आपको पता होगा पिताजी ने वचन किए थे कि टच मोबाइल खरीदे। अब साथ ही साथ सतगुरु को ये टेंशन पड़ गई, क्योंकि वो जानता सब कुछ, उसको टेंशन पड़ गई कि मेरा कोई बच्चा गरीब है, कोई रेड़ी वाला है, कोई रिक्शे वाला है, कोई मजदूर है, वो 10,000 का या 15,000 का मोबाइल कैसे खरीदेगा, मैं उसको सस्ते मोबाइल लेके दूं। तो हजूर पिताजी ने एडम ब्लॉक को ये वचन कर दिए, ऑर्डर कर दिया कि एडम वालों आप ऐसे करो, किसी एक कंपनी के साथ टाई अप करो, किसी भी कंपनी के साथ, संगत को सस्ते मोबाइल ला करके दो जिसकी कीमत 2500 से लेकर 3000 तक हो, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो पहली सात संगत जी, लाखों की सात संगत ने वहां पर प्रमाद के रूप में 3-3 हजार रुपया जमा भी करवा दिया था।
अगर 1 लाख बंदा भी पैसे जमा कराए 3-3 हजार तो कितने करोड़ बन गया। लेकिन इन जिम्मेवारों ने किसी को भी मोबाइल नहीं लेके दिए। जब पिताजी पूछते थे हाँ भाई आपके मोबाइलों का क्या बना, तो ये सीपीए रोड़ा यही बोलता था पिताजी बात चल रही है कंपनी वालों के साथ, अभी आए नहीं है पिताजी। पिताजी फिर अगली मजलिस पे सत्संग पे फिर पूछते थे वो आपको मोबाइल बोला था भाई क्या बना मोबाइलों का, तो फिर ये रोड़ा बोलता था पिताजी 3-4 पीस मंगवाए थे वो खराब आए गए वो वापस भेज दिए गए। तो मेरा एक साथ संगत जी पुराना तो ये नोट करना है आपने, मेरा कहने का मतलब ये है जो सतगुरु हमारी इतनी फिक्र करता है हमारी इतनी चिंता करता है कि मेरा एक बच्चा 10,000 का 15,000 का मोबाइल कैसे खरीदेगा मैं इसको सस्ता लेकर के दूं, तो वो सतगुरु आपसे आपकी जमीन आपका प्लॉट आपका घर या आपसे 10 लाख का परमात कैसे मांग लेगा। शासन को जवाब दे दे इस बात का। अब जिम्मेवारों के फोन आएंगे आपके पास। लास्ट में मैं बहुत ज्यादा समय ले लूंगा, भाई अशोक को भी मैंने 1 मिनट देना, हमारे साथ आए भाई जी भी जिम्मेवार भी हमारे, तो लास्ट में एक बात बोलूंगा कि अब हमारे जिम्मेवारों के फोन भी हो सकता आपके पास आए कहते जी ये बंदे तो जी फेक है। अब साध संगत जी आपके सामने तो मैं बातों बातों से बात काम चला सकता हूं, क्या हाई कोर्ट में भी फेक चलता है क्या? वहां पे हाई कोर्ट में तो वहां पे सबूत रखने पड़ते हैं जो हमने रखे हैं। सीबीआई को चैलेंज किया हमने, सीबीआई के ऊपर आरोप लगाए हैं सीधे के सीधे कि सीबीआई जवाब दे दे। हाई कोर्ट की अवमानना करते हुए हाई कोर्ट का आदेश ना मानते हुए सीबीआई ने हमारे गुरु जी के ऊपर FIR दर्ज कैसे कर दी साध संगत जी, जबकि सीबीआई के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। तभी हमारी जो पिटीशन मेरे सतगुरु ने लगाई है उसकी रहमत से लगी है, हमने पिटीशन लगाई है वो उसकी सुनवाई डबल बेंच पे हुई है। डबल बेंच पे भी खुद चीफ जस्टिस आप बैठे खुद आकर, लेकिन उन्होंने भी देख लिया कि मामला बहुत बड़ा है बलंदर बहुत है। तो मेरी साध संगत जी उस पिटीशन को उस PIL को आगे फुल बेंच पे डाल दिया गया। अब फुल बेंच उसकी सुनवाई करेगी, फुल बेंच में कम से कम 5 लोग, आप सब पढ़े लिखे हो वकील हो यहाँ पे बैठे होंगे भाई आपको पता है कि फुल बेंच क्या होती है। लेकिन हम हवा में बातें नहीं करते, मेरे साथ ये PIL की कॉपी है जो हमने लगाई है, आप ये PIL की कॉपी अपने पास रखिए, इसकी और कॉपियां करवा लीजिए, आपके कोर्ट में जाकर आप इसे किसी भी वकील से इसको पढ़वाइए कि इसमें लिखा गया है, इसमें चैलेंज किसको किया गया है, इसके अंदर प्रूफ रखे गए हैं कि नहीं रखे गए हैं। तो अब आपके पास क्या होगा, जिम्मेवार कई बार कहते हैं फोन करते हैं कि जी ये तो वैसे ही झूठ बोल रहे हैं, तो पहली साध संगत जी मैं ये चैलेंज करता हूं, क्यों संगत के बीच में सतगुरु विराजमान होते हैं, मैं संगत के सामने आज चैलेंज करता हूं, हमारा कोई भी जिम्मेवार आ जाए चाहे एडम ब्लॉक आ जाए चाहे 45 मेंबरों को बुला लो चाहे पूरा का पूरा राजनीतिक विंग उठ के आ जाए, यहां तक संगत के सामने उनको खड़ा कर लो, एक माइक उनके हाथ में दे दो एक माइक हमारे हाथ में दे दो, आधे घंटे में पता चल जाएगा इनमें से झूठा कौन है। संगत को बोलेंगे साथ संगत जी अपने हाथों में डंडे रखिए लठ रखिए, जो इनमें से गलत पाया जाएगा आज उसकी तसल्ली के लगे भेजेंगे यहां से। बोलो अगर सब झूठ का संगत पता करना चाहती है, अगर संगत ये चाहती है कि संगत को पता चले कि मेरे सतगुरु की सच्चाई क्या है उसके साथ साजिशें की किसने है, तो दूध का दूध पानी का पानी आधे घंटे में हो जाएगा साथ संगत जी। लेकिन हम घर बैठे बैठे हमारे जिम्मेवार आते हैं उनसे बस पैसे की बात करो परमात की बात करो पैसे दे दो जी ये करना जी वो करना जी वकील करने हैं जी, ये बात बताए कोई, आप सारे सूझवान बैठे हो पढ़े लिखे भाई बैठे हैं, एक हाई कोर्ट के वकील की फीस कितनी होती है? 50,000, 1,00,000, 1.5 लाख होगी मान लो, ऊपर का सिर्फ 2 लाख हो सकती है, लेकिन किसी की चलो मान लो 3 लाख हो सकती है, तो 3 वकील है तो करोड़ों रुपया, 600 से ऊपर ब्लॉक है हमारे साध संगत के पूरे ऑल इंडिया में, हर एक ब्लॉक में से ये वकीलों के नाम पे पैसा लूटने के लिए जाते हैं, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए लगाकर ये केस लगाया साध संगत जी, सिर्फ 500 रुपए लगाकर। तो अगर 500 रुपए लगाकर PIL लग सकती है तो करोड़ों रुपए जो साध संगत मेरे गुरु के नाम पे उनको दे रही है जिम्मेवारों को, तो
उनसे पूछा क्यों नहीं आपने कभी कि जो आप पिछली बार पैसे लेके गए थे उनका किया क्या? तो प्यारी शास्त्री जी एक ये 45 नंबर देखो, मैं हवा में बातें नहीं करता, हमारे ब्लॉक में भी आते हैं। पहली बार ये बोला गया कि पिताजी 40 दिन में अपने आप आ जाएंगे, 40 दिन के निकल गए। उसके बाद कहते हैं जी 15 अगस्त को तो पक्का आएंगे, वो भी निकल गई। उसके बाद कहते हैं जी 25 जनवरी को पिताजी ये भंडारा पिताजी अपने आप करेंगे आके। शासक जी ऐसे करो, शासक जी पैसे दो, हमने फूल बरसाने हैं, हमने हेलीकॉप्टर लेके आने हैं। शासक जी बोला गया नहीं बोला गया? तो हेलीकॉप्टरों के नाम पे पैसे लिए गए, फूल बरसाने के नाम पे पैसे लिए गए। ना हेलीकॉप्टर आए, ना फूल आए, ना सतगुरु आया, तो बरसात संगत उनसे खड़ी होकर ये क्यों नहीं पूछती कि आप इसके लिए पैसे लेके गए थे, उसका किया क्या आपने? हजूर पिताजी के केसों के लिए किया क्या? आपके वकील क्या कर रहे हैं? अब मैं यहाँ पे एक वकील की छोटी सी करतूत बताता हूं आपको कि हमारे वकील कर क्या रहे हैं। शाह संगत जी एक वकील था जिसको 3 या 4 साल हो गए पिताजी का मुकदमा लड़ते हुए। 4 साल के बाद वो वकील हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट में जाकर जज साहब को ये बोलता है कि जज साहब मैंने अपना नाम इस केस से वापस लेना है, क्योंकि इसको समझ आ गई थी कि ये बलंदर कितना बड़ा है, जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो आंच कहां कहां तक जाएगी, उसको समझ आ गई थी। तो उसने कहा जज साहब मैंने अपना नाम वापस लेना, मैं ये मुकदमा नहीं लड़ सकता, क्योंकि ये बात साध संगत जी हाई कोर्ट के ऑर्डर में लिखी हुई है, हमारे पास लग जाएगी। तो जज साहब ने वहां पे ये बोला उस वकील को कि आप कोई बात नहीं, आप अपना नाम वापस ले लो, लेकिन ऐसे करो आपको तो 4 साल हो गए मुकदमा लड़ते हुए, आपको एक एक बारीकी मालूम है इस केस की, आप हमें समझाइए कि ये मुकदमा है क्या। तो साध संगत जी उस वकील का यह जवाब था जो हाई कोर्ट में लिखा हुआ है ऑर्डर में। उस वकील ने वहां ये कहा कि मैंने आज तक इस मुकदमे को पढ़ा ही नहीं। 4 साल के बाद वो वकील बोलता है तो कैसे कह दे हम कि हमारे गुरुजी के वकील उसके हक में लड़ रहे हैं, कैसे कह देंगे? चैलेंज है, कोई भी आ सकता है। देखो साध संगत जी अगर तो हम अपने घर में बैठ के बात करें, बाहर ना निकले, फिर तो आप जैसी साध संगत कह देगी ये बात कि तो अंदर बैठे बैठे बातें कर रहे, सामने आते नहीं। हम तो कहते हैं ग्राउंड है भैया, पूरे जिले के नाम करके रखो, 10 ब्लॉक 20 ब्लॉक 30 ब्लॉक जितने जी चाहे बुला लो, वहां पे इनको खड़ा कर दो, पूरे पूरे का पूरा तंत्र आ जाए हमारा, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे वो राजनीतिक विंग हो, चाहे 45 मेंबर हो।